नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सबको बीएन क्लास में। तो यहाँ पे हम बात करेंगे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 के बारे में। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सारे डिटेल्स में। तो उससे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि राजीव गांधी जो खेल रत्न अवार्ड है वो क्या है, कौन इसको स्पॉन्सर करता है। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं हाइएस्ट स्पोर्ट्स ऑनर इन इंडिया, जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है हाइएस्ट स्पोर्ट्स का जो हाइएस्ट ऑनर है। देन स्पॉन्सर बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको स्पॉन्सर करती है। देन रिवार्ड जो है 25 लाख का रिवार्ड होता है। देन फास्ट जो स्टार्ट हुआ था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो देना शुरुआत हुआ था, ये हुआ था 1991-92 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अभी लास्ट जो रिवार्ड दिया गया 2020 में दिया गया। सो सेरेमनी कब हुआ? 29 अगस्त। 29 अगस्त क्यों होता है? 29 अगस्त जो है इंडिया का स्पोर्ट्स डे है। तो इस स्पोर्ट्स डे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि ध्यानचंद जो हॉकी का विजार्ड किया जाता है उनका जन्मदिन है ध्यानचंद का, उस उन्हीं के जन्मदिन पर स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है इंडिया में। तो यहाँ पे उन्हीं के जन्मदिन पर ये प्राइज़ भी डिस्ट्रीब्यूट होता है एवरी ईयर। अभी तक 38 लोगों को यहाँ पे प्राइज़ मिल चुका है। 38 लोगों को 1991 से लेके अभी तक का जो है 38 लोगों को टोटल अवार्ड मिल चुका है। एंड द फर्स्ट विनर जो थे, फर्स्ट विनर थे विश्वनाथन आनंद। ओके, हम सब जानते हैं विश्वनाथन आनंद के बारे में। तो उनको सबसे पहले अवार्ड मिला गया था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। सो कब मिला था? 1991-92 में मिला था। सो इसके बाद हम देखेंगे 2020 में किसको किसको मिला है। तो सबसे पहला फिगर जो हमारे पास में है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा बहुत ही नॉन फिगर है क्रिकेट के जगत में। सब लोग क्रिकेट देखते हैं, मैक्सिमम लोग देखते हैं, सब लोग हम नहीं बोल सकते हैं, मैक्सिमम लोग क्रिकेट देखते हैं और इनको सब लोग जानते हैं। सो इन्होंने डेब्यूट किया था आयरलैंड के वर्सेस, आयरलैंड के खिलाफ उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था। ओडीआई करियर जो था आयरलैंड से स्टार्ट किया था, कब? 2007 में स्टार्ट किया था। उसके बाद उन्होंने हर एक फील्ड में, चाहे ओडीआई हो, चाहे T20 हो, चाहे टेस्ट मैच हो, चाहे आईपीएल हो, हर एक फील्ड में उन्होंने बहुत अच्छा वर्क किया। जैसे अगर हम आईपीएल का बात करते हैं, आईपीएल में मुंबई इंडियन के होते हुए वो कैप्टनशिप करते हैं। सो बहुत ही अच्छा करियर था उनका, बहुत ही अच्छा करियर है, आगे और भी कंटिन्यू कर रहे हैं। सो इनको इस बार का जो खेल रत्न अवार्ड जो था रोहित शर्मा को मिला है क्रिकेट के फील्ड में, क्रिकेट खेलने के लिए। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास में मरियप्पन तंगावेलु। मरियप्पन तंगावेलु क्या है? ये जो था स्पोर्ट्समैन है, हाई जंपर है। ही रिप्रेजेंटेड इंडिया इन 2016 समर ओलंपिक गेम्स हेल्ड इन रियो द जेनेरियो इन मेन्स हाई जंप कैटेगरी में ने, एंड उनको गोल्ड मेडल उन्होंने जीता था। ठीक है, इनको भी, ये जो मरियप्पन तंगावेलु को भी इस बार का राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला है। ये पैरालंपिक खेलते हैं। नेक्स्ट है मनिका बात्रा। मनिका बात्रा टेबल टेनिस खेलती है। मनिका बात्रा इज एन इंडियन टेबल टेनिस प्लेयर। एज ए जनवरी 2019 सी इज द टॉप रैंक फीमेल टेबल टेनिस प्लेयर इन इंडिया एंड रैंक 47th इन द वर्ल्ड। सो इंडिया के नंबर वन रैंक में थी 2019 में और 47th रैंक वर्ल्ड में थी। इनको भी इस बार राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला। उसके बाद हम नेक्स्ट को देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास में विनेश फोगट। विनेश फोगट इज एन इंडियन रेसलर हु कम्स फ्रॉम ए सक्सेसफुल फैमिली ऑफ रेसलर विथ हर कजन्स गीता फोगट एंड बबीता कुमारी फोगट। सो गीता फोगट और बबीता कुमारी फोगट के बारे में तो हम जानते हैं, उनके ऊपर में मूवी भी है। सो उनके ही कजन सिस्टर है ये। इनको भी क्या हुआ इस बार का जो 2020 का जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला था, बींग इंटरनेशनल रेसलर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स मेडलिस्ट एज वेल। सो इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में भी मेडल जीता है। सो विनेश फोगट को भी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है रानी रामपाल। रानी रामपाल बहुत नॉन फिगर है हॉकी के फील्ड में, वो हॉकी खेलती है हॉकी के फील्ड में। इनको इस बार क्या हुआ? वोमेन्स हॉकी, जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ स्टिक लेके है, स्टिक लेके बैठ रखी है, तो हम पिक्चर को देख के भी पता लगा सकते हैं वो हॉकी खेलती है। तो उनका जन्म कब हुआ था? 4 दिसंबर 1994 में उनका जन्म हुआ था। और अभी ये क्या है, इंडियन कैप्टन, जो वोमेन कैप्टन है, इंडियन टीम को मैनेज करती है, कैप्टन है। उन्होंने एशिया गेम 2018 एंड 2014 में भी रिप्रेजेंट किया था। सो इनको भी इस बार का राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे समरी करते हैं तो किनको, ये 5 लोगों को हमको याद रखना है। कोई भी एग्जाम अगर हम प्रिपरेशन करते हैं तो ये दिस 5 पीपल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस ईयर दे गॉट द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। सो सबसे पहले रोहित शर्मा, तो आपको पूछा जाएगा कौन सा फील्ड से रिलेटेड है, क्रिकेट से रिलेटेड है। मरियप्पन तंगावेलु ओलंपिक पैरालंपिक है। ओके, देन मनिका बात्रा टेबल टेनिस से रिलेटेड है, विनेश फोगट रेसलिंग एंड रानी रामपाल हॉकी, ओमेन हॉकी से रिलेटेड है।
सो यहाँ पे मैंने आज डिस्कस किया राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।